Welcome students to the channel The Medico World. Our today's topic is to let us start with the topic. Our today's topic is the scales. हम जान बारीकी से स्केल्स के बारे में जानेंगे और इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और इसकी सी डेफिनेशन इसके टाइप्स और डेप्थ में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ स्केल्स इन द फिशेज जो कि हमारा है प्लैकोइड गैनाइड साइक्लॉइड ऑस्टिनॉइड स्केल्स के बारे में उनके बारे में हम पूरा डीपली आपको डिस्क्राइब किया जाएगा इस लेक्चर में. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि अगर कोई भी हमें चीज पढ़नी है तो पहले उसका क्या होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशंस मेन की पॉइंट्स पता होने चाहिए. तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट आर द स्केल्स. स्केल्स होती क्या है? स्केल्स हमें अगर कॉमनली हम आइडिया से देखें तो स्केल्स हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, आउटर कवरिंग है बॉडी की. यही सेंस लगा के हम थोड़ा सा क्या है, इन अ करेक्ट वे हम डिफाइन करेंगे स्केल्स को. क्या होता है कि स्केल्स एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बॉडी की, जो कि किसमें प्रेजेंट होती है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड और द टेरेस्ट्रियल और द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स फिशेज एक्सेट्रा, जो क्या है कि उनकी आउटर कवरिंग होती है, जो इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द इंटेगमेंट, जो क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और आउटर कवरिंग होती है उनकी बॉडी की. तो यही डेफिनेशन लिखी है इसमें कि दिस आर द हार्ड बोनी कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स विच एक्ट एज ए आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी. सो आई थिंक यू कंप्लीट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द स्केल्स. सो द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ स्केल्स. तो स्केल्स के दो टाइप्स होते हैं मेनली. द फर्स्ट वन इज द एपिडर्मल स्केल्स एंड द नेक्स्ट वन इज द डर्मल स्केल्स. So we know that the integument which is called as the outer covering of the body, which is divided into two layers, हम बोलते हैं dermis. तो जो students जो upper वाली epidermis जो उस modification होके जो scales बनी उसको बोलेंगे हम क्या, epidermal scales. So the epidermal scales are the those scales which are derivatives of the epidermis. Epidermis means the upper layer of the integument. Other modification of the upper layer of integument in which it is derived. अब जो epidermal scales होती हैं वो किसमें present होती है, terrestrial animals. Terrestrial animals आगे हमारे turtles, tortoises. Tortoises में एक वो special properties होती है कि इनकी जो scales होती हैं वो permanent होती हैं. तो और जो permanent scales होती हैं उनको क्या बोलते हैं, scutes. This पता, permanent scales are called the scutes. और उसके बाद आगे हमारे डर्मल स्केल्स, नाम से पता चल रहा है डर्मल स्केल्स आर दो स्केल्स विच आर डर्मल इन डेरिवेटिव मीन्स डर्मल इन डेरिवेटिव मीन्स डर्मल इन ओरिजिन विच आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द इंटेगमेंट्स लोअर लेयर विच इज कॉल्ड द डर्मिस. और ये किस में पाई जाती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में, जो पानी में रहते हैं उनमें पाई जाती हैं. और जो बेस्ट डेवलप्ड डर्मल स्केल्स होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती है, फिशेज में. फिशेज के केस में ये बेस्ट डेवलप्ड स्केल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती है. मेनली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फिशेज स्केल्स. फर्स्ट वन इज द प्लैकोइड स्केल्स, सेकंड वन इज द गैनाइड, थर्ड इज द साइक्लॉइड एंड द फोर्थ वन इज द स्टिनॉइड स्केल्स. हम इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, डेप्थ में जाएंगे इनकी और इसके बाद एक एक स्केल को क्या कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट वन इज द प्लैकोइड स्केल्स. प्लैकोइड स्केल फर्स्टली जो प्लैकोइड स्केल्स हैं, अगर कोई भी स्केल पढ़नी है तो पहले उसके बारे में हमें क्या याद रखना है, मेन प्लैकोइड स्केल्स हैं वो पाई जाती हैं लाजमोब्रैंक्स में, शार्क्स में और लाजमोब्रैंक्स और शार्क्स में पाई जाती हैं. और ये क्या है, ट्राइडेंट स्पाइन होता है इनमें. ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल के क्या है, स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर्स हैं. और ये किसके जो इसके जो नीचे प्लेट होती है डायमंड शेप्ड और रोमाइडल शेप्ड उसको बोलते हैं बेसल प्लेट. जो इसके ऊपर जो स्टैंड होती है, जो बेसल प्लेट के जो लोअर वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होती है, एक पल्प कैविटी बोलते हैं इसको, सेंट्रल पल्प कैविटी. जो क्या करती है,
ब्लड वेसल्स होती है इसमें, जो क्या करती है ब्लड से क्या होता है नरिशमेंट प्रोवाइड होती है इसको, स्केल्स को, जिसमें क्या होती है बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है, जो सेंट्रल पल्प कैविटी होती है। और किसी भी चीज़ को अगर अगर हम फंक्शन के साथ उसको अगर लर्न करेंगे ना, समझेंगे उसको, अंडरस्टैंड करेंगे, तो क्या होगा हमें याद रखने में आसानी होगी। तो याद रखना कि जो पल्प कैविटी होती है, जो क्या है लोअर जो बेसल प्लेट उसके नीचे प्रेजेंट होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसमें क्या होती है ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या काम करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद है जो स्केल्स होती हैं वो बैकवर्ड प्रोजेक्टेड, इसका क्या मतलब, बैकवर्ड प्रोजेक्टेड का मतलब है, बैकवर्ड प्रोजेक्टेड का मतलब है पीछे की तरफ, जैसे ये स्केल्स हैं वो पीछे की तरफ होगी, जो जो ये इसका आ गया एंटीरियर हाफ, एंटीरियर हाफ, एंटीरियर पोर्शन आ गया, ये आ गया पोस्टीरियर, पोस्टीरियर जो यहाँ से, यहाँ क्या होगा बेसल प्लेट प्रेजेंट होगी, जहाँ से बॉडी इसकी फिशेस की बॉडी के साथ ये स्केल्स अटैच होंगी, और ये स्पाइंस होगा ये बैकवर्ड वो होगा प्रोजेक्टेड होगा, क्योंकि क्या अगर फॉरवर्ड प्रोजेक्टेड होता तो क्या ये वाटर को रेजिस्टेंस देता, लेकिन ये बैकवर्ड प्रेजेंट बैकवर्ड की तरफ क्या होगा शिफ्टेड होगा, प्रोजेक्टेड होगा, तो ताकि ये क्या करे फ्रिक्शनलेस स्मूथ क्या मूवमेंट लोकोमोशन प्रोवाइड करे फिशेस को। और एक और पॉइंट है इसका याद रखने वाला कि जो जो प्लैकवर्ड स्केल्स होती हैं वो मोजाइक फैशन में प्रेजेंट होती है, मतलब कि ऐसे धब्बे जैसे नहीं होते, किसी चीज़ के ऊपर धब्बे जैसे हो गए डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स, वैसे ही ये प्रेजेंट होगी, मतलब कि एक दूसरे के साथ ये अटैच नहीं होगी, अटैच नहीं होगी ये। सो वी सम ऑफ द प्लैकवर्ड स्केल्स पॉइंट्स, फर्स्ट क्या होता है इसमें ट्राइडेंट, क्या होता है ये ट्राइडेंट स्पाइन की तरह, ट्राइडेंट स्पाइंस होते हैं इसमें, मतलब कि त्रिशूल की तरह होता है, जिसमें क्या होता है तीन स्पाइंस होते हैं, जो लोअर जो जिस प्ले लोअर जिस प्ले लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे ये क्या होता है स्टैंड होता है उसको बोलते हैं बेसल प्लेट, जो बेसल प्लेट है उसकी जो लोअर हाफ है उसके क्या होगी पल्प कैविटी प्रेजेंट होगी, जो क्या करेगी इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो क्या है ब्लड वेसल के थ्रू क्या जाएगा न्यूट्रिशन जाएगा इसके स्केल्स के बीच, तो इससे क्या हुआ बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। और क्या याद रखना है मेनली कि किस में प्रेजेंट, इलास्मोब्रैंक्स और कार्टिलेजिनस फिशेस होगी, उसको बोलते हैं इलास्मोब्रैंक्स, तो कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट होगी, शार्क्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है प्लैकवर्ड स्केल्स। और जो बाकी जो बचे हुए स्केल्स आगे गैनॉइड, गैनॉइड स्टेनॉइड एंड द साइक्लॉइड, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So if you like my video, don't forget to subscribe and like my video. And if you have any doubt, please ask in the comment section. And wish you the good luck. Thanks.